जय श्री स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। चलो आज हम 8 चैप्टर वासन भरेलू दूध को आगे बढ़ाएंगे। तो उसके क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ हमने लिख लिए हैं। अब सेकंड है खाली जगह पूरो। तो फर्स्ट है उसमें गाममा सुख खाली जगह हती। क्या आएगा? क्या था गांव में? तो गाममा सुख समृद्धि हती। उसके बाद सेकंड है गाममा खाली जगह बा रहता हता। जो गांव में रह रहे थे बा, उसका नाम क्या था? हाँ, सांताबा। ठीक है, तो गाममा सांताबा रहता हता। उसके बाद थर्ड है बाए गाय भैंस माटे खाली जगह काढ्यूं। क्या आएगा? दूध। ठीक है, तो हम लिखेंगे दूध। उसके बाद फोर्थ है बाना पेला नाना घड़ा थी गर्भ खाली जगह भराई गयूं। क्या आएगा इसमें? पूर्ण पड़े। ठीक है, बाना पेला नाना घड़ा थी गर्भ पूर्ण पड़े भराई गयूं। अब हम पेज नंबर 4040 में आएंगे। उसमें थर्ड एक्सरसाइज है समानार्थी शब्द लखो। सबसे पहला है पान। पान मतलब पेड़ का जो पत्ता होता है ना वो, तो उसको दूसरा क्या बोला जाता है? पांदड़ू। ठीक है, उसके बाद सेकंड है झाड़। झाड़ मतलब ट्री। ट्री को क्या बोलोगे? वृक्ष। ओके, उसके बाद है थर्ड घर। घर मतलब हाउस। क्या बोलोगे हाउस को? गृह। ओके, उसके बाद फोर्थ है भगवान। भगवान मतलब गॉड। तो गॉड को दूसरा क्या बोला जाता है? ईश्वर। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ है मंदिर। मंदिर मतलब टेम्पल। तो उसको दूसरा क्या बोला जाता है? देवालय। ओके, सिक्स है परछायो। परछायो मतलब शेडो। तो उसमें दूसरा प्रतिबिंब। ओके, उसके बाद फोर्थ एक्सरसाइज है विरोधी अर्थ वाला शब्दों लखो। तो उसमें ऑपोजिट वर्ड हमें लिखने हैं उससे उल्टा। ठीक है, तो सबसे पहले है गाम। तो क्या आएगा? शहर। उसके बाद है दुष्काल, तो शुकाड़। उसके बाद है थर्ड है पूर्ण, तो क्या होगा विलोम शब्द? अपूर्ण। ठीक है, उसके बाद है भगवान, तो क्या आएगा? राक्षस। चलो, इसके बाद है फिफ्थ नानू, मतलब स्मॉल होता है ना, उस तरह से ऑपोजिट में क्या आएगा? मोटू। उसके बाद है सिक्स पवन, तो ऑपोजिट में शांत। ठीक है, अब फाइव नंबर की एक्सरसाइज में जोड़ाक्षर वाँचो अने लखो। जोड़ाक्षर मतलब एक आधा अक्षर है उसको जॉइंट करके दूसरा पूरा अक्षर है। ठीक है, इस तरह से जॉइंट हुआ है, तो ये रीड करना है और फिर उसके सामने वही सेम टू सेम लिखना है। ठीक है, तो हम रीड करते आएंगे और आपको पेंसिल से अच्छी राइटिंग करके लिखते आना है। ठीक है, चलो बोलो और साथ में लिखते आओ। फर्स्ट है दुष्काल। उसके बाद सेकंड है पिवड़ाव्यूम। उसके बाद थर्ड है कष्ट। उसके बाद फोर्थ है गम्यू। तो ये सारी एक्सरसाइज आपको अपनी टेक्स्ट बुक में पेंसिल से लिखनी है और इसमें से एक्सरसाइज नंबर 2, 3 और 4, ये तीनों एक्सरसाइज आपको आपकी नोटबुक में लिखनी है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक यू।